morning guys, welcome to daily UPSC Learning. Today we are going to read the most difficult topic according to everyone, that is ancient and medieval India. Guys, इसके sources बहुत हैं, questions बहुत कम आते हैं, difficult भी है learn करने में, लेकिन अगर इसे strategically पढ़ा जाए तो अगर आप 8 to 10 questions भी अगर आ गए, 8 to 10 तो आएंगे नहीं, 5 to 6 questions भी अगर आ गए, एंड इनमें से हम अगर 10 to 15 वीडियोस में से तीन भी क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 3 out of 8 और 3 out of 7, ठीक है, तो भी हमारा इसका जो पर्पस है ये लेक्चर का वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बाकी जो चार क्वेश्चन आएंगे वो या तो आपको आएंगे या तो नहीं आएंगे, या तो फैक्चुअल होंगे या तो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होंगे, तो वो उसके लिए 100 पेजेस क्यों पढ़े, जबकि 20 पेजेस में हम लोग सारा कुछ कवर कर सकते हैं 3 क्वेश्चंस के लिए, बाकी 4 क्वेश्चन के लिए 80 क्वेश्चन क्यों पढ़े, वो क्वेश्चंस हम लोग बाकी किसी सेक्शन में कंपेंसेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्सेस। गाइस, हमेशा हर अल्टरनेटिव ईयर में सोर्सेस पे हमेशा एक क्वेश्चन होता है, कभी वो लोग मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, कभी वो लोग सीधा पूछ लेंगे कि पनिनी वॉज रिटन बाय हूम। तो हम लोग एक सिंपल माइंड मैप लेके आए हैं जिसमें आपको एवरीथिंग, दैट इज ऑल द सोर्सेस वी हैव गिवन इट राइट हियर, एंड ये सिर्फ एंशिएंट इंडिया के सोर्सेस है, मिडिवल इंडिया के सोर्सेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज दैट द लिटरेरी सोर्सेस आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज रिलीजियस सोर्सेस एंड सेक्युलर सोर्सेस। रिलीजियस सोर्सेस में बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में 4 पार्ट्स हैं, दैट इज ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। गाइस, ये वैदिक पीपल जो थे दे वर इंडो आर्यंस, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया, एंड दे सेटल्ड डाउन एट द दिस एरिया, दैट इज वेस्टर्न इंडिया। वन सेकेंड, सॉरी फॉर द मैप, इस एरिया में, ठीक है, इट इज नोन एज सप्त सिंधव एरिया, दैट इज इंडस वाला एरिया। इसीलिए इस एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें कहते थे हम लोग ऋग्वेदिक पीपल, ठीक है, एंड दे वर द लिंग्विस्टिक पीपल। इंडो आर्यंस वर लिंग्विस्टिक पीपल एंड नॉट अ कल्चर और नॉट अ कम्युनिटी, दे वर कल्चर बट नॉट अ कम्युनिटी, सो रिमेंबर दिस थिंग। एंड आफ्टर दैट, जब ये लोग माइग्रेट किए टुवर्ड्स गंगा, दैट इज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, तो इसे कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ऋग्वेदिक पीरियड जो था वो सप्त सिंधव एरिया, दैट इज इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियस, सतलज, ये एरिया, एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में लेटर वैदिक पीरियड, जिसका लिटरेचर है यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एंड इसके जो ईयर है, टाइमलाइन है, वो है 1000 to 6000 बीसी फॉर लेटर वैदिक पीरियड एंड 1500 to 1000 बीसी फॉर ऋग वैदिक पीरियड। अब इसमें डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, ऋग्वेदा वॉज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये ध्यान में रखिएगा आप। इट हैड 108 सूक्तास, सूक्तास मतलब हिम्स, दैट इज मंत्रा, एंड 10 मंडला, दैट इज 10 बुक्स, जिसमें से सेकेंड बुक, सेकेंड टू सेवेंथ, इट बिलोंग्स टू अर्ली वैदिक पीरियड, एंड बुक 1 प्लस 8 टू 10, दैट बिलोंग्स टू लेटर वैदिक पीरियड। अब वो कंपाइलेशन के टाइम उन्होंने कैसे किया वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे। ये आप याद रखिएगा कि बुक 7, इट इंक्लूड द बैटल ऑफ दशराजन, दैट इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो हम जब ऋग्वेदा लेटर वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ेंगे ढंग से तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड इज यजुर्वेद। यजुर्वेद हैज डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। इसमें भी 2 पार्ट्स है, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ मंत्रास है एंड कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रास प्लस कमेंट्रीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन कम्स सामवेद। सामवेद हैज ओनली म्यूजिकल कनोटेशन, दैट इज ऋग्वेदा के जो हिम्स है, दैट इज मंत्रा है, उसे गाया कैसे जाए ये सामवेद में बताया गया था। देन आफ्टर दैट अथर्ववेद। गाइज, अथर्ववेद में स्पेल्स मेंशनड है, चार्म्स मेंशनड है। अब स्पेल्स और चार्म्स क्यों, क्योंकि ये लोग जब इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आए, जब मिडल पार्ट में आए इंडिया के, तब उनको वो लोग जो पुराने लोग थे, मतलब आर्यंस जो है, वो वेव्स में आए। पहला वेव आया जिसे कहते हैं दस्यु, सेकंड वेव आया जिसे कहते हैं दास, ऐसा ये सब गाइस हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप इसमें इतना मतलब सोचिएगा मत।
एंड ये लोग जब इनसे मिले, दैट इज इंडो आर्यन रेस से मिले, तो इन लोगों से इनकी बनी नहीं. दास चलो ठीक है, इनका और दास का, आर्यन एंड दास यूज टू कोलैबोरेट विद ईच अदर फॉर डिफीटिंग दस्यूज, बट दस्यूज वेर प्राइमरीली द फॉरेस्टेड पीपल, दैट इज ट्राइबल पीपल. सो इन लोगों से दूर रखने के लिए, दस्यूज से दूर रखने के लिए या ट्राइबल लोगों से दूर रखने के लिए, दे स्टार्टेड टू इनकॉर्पोरेट स्पेल्स एंड चार्म्स, दैट इज मिस्टिसिज्म आ गया, इसलिए इसे रिलीजियस सोर्सेस कहते हैं. नाउ विद इन द वैदिक लिटरेचर, ये तो हो गया वैदिक लिटरेचर. सेकेंड इज ईच वेदा हैज फोर पार्ट्स, दैट इज समवेदा, संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषदास. संहिता में सारे मंत्रास है, ब्राह्मणास हैज प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ संहिता एंड ऑल्सो इट इंक्लूड सैक्रीफाइसेस. अरण्यकास आर फॉरेस्ट बुक्स, दिस वर टू बी रेड इन द फॉरेस्ट, दैट इज वाई फॉरेस्ट में भी वो लोग मेडिटेट वगैरह करते थे, तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट वॉज ऑल्सो देर. नाउ आफ्टर दैट उपनिषदास, हम लोग उपनिषद ब्राह्मो समाज में भी पढ़ते थे कि उपनिषद वेर मतलब दे वेर द सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अटेनमेंट के लिए था ये उपनिषद. उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है साइड में आके बैठना किसी मास्टर के, तो मास्टर उन्हें पढ़ाता था, दैट इज टीचर एंड डिसाइपल. अब मास्टर उन्हें क्या पढ़ाता था, डिसाइपल्स उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि हु एम आई, ये यूनिवर्स क्या होता है, आत्मन क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के. देन टोटल नंबर ऑफ उपनिषद जो थे 108 उपनिषद थे, एंड इट बिलोंग टू लेटर वैदिक पीरियड, इट इज द क्रक्स ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर. तो ये जो है वो रैशनैलिटी जो आई थी, तो रैशनैलिटी वाला जो एस्पेक्ट था, दैट केम इनटू उपनिषद. नाउ इट ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज वेदांत, जो हम ऑलरेडी ब्राह्मो समाज में पढ़ चुके हैं, क्योंकि देवर फोकसिंग ऑन ब्राह्मो समाज प्लस एज वेल एज दिस स्वामी विवेकानंद, देवर फोकसिंग ऑन द वेदांत कंसेप्ट. Then after that sutras. Sutras was the concise version of Vedas, that is rituals. Now ये जो पूरा है aspect Vedic literature का, that is Shruti, that is the ones which are heard, that is जो सुने सुनाई बातें हैं वो. And Smriti means the one which is remembered. It is also known as Vedangas यहाँ पे, ठीक है. It also it मतलब इससे क्या होता था, it helped in understanding and recitation of the Vedic literature. Smriti. अब इसमें स्मृति बिलोंग टू सिक्स पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज शिक्षा, दैट इज फोनेटिक्स, छंद, दैट इज मेट्रिक, निरुक्त. अब ये निरुक्त जो है ये यक्षा ने लिखा था, इट बिलोंग टू एटिमोलॉजी, दैट इज रूट ऑफ द वर्ड्स. कल्प मीन्स रिचुअल्स, ज्योतिष दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमी, एंड व्याकरण ग्रामर. तो ये व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, ये सब तो आप नाम से ही पता चल जाएगा, आपको सिर्फ लर्न करना पड़ेगा ये तीन, दैट इज शिक्षा, छंद एंड निरुक्त. उसके बाद में रिलीजियस लिटरेचर में सेकंड पार्ट है ब्राह्मणिकल लिटरेचर. ब्राह्मणिकल लिटरेचर में दो पार्ट्स है, दैट इज धर्मशास्त्रास, जिसमें स्मृति आएगी, सारी की सारी स्मृति जितनी भी है जो भी आएगा वो दैट बिलोंग्स टू ब्राह्मणिकल लिटरेचर. ये वो है जो लर्नड सेजेस वो लिखते थे, ओके. एंड मनुस्मृति जो की सबसे ज्यादा फेमस है वो इट इज अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र ब्राह्मणिकल लिटरेचर. सेकेंड इज पुराणास. पुराणास वेर मोस्टली बिलोंगिंग टू द डायनेस्टिकल हिस्ट्री, दैट इज 18 पुराण थे, तो 18 पुराण में हर एक एक डायनेस्टी के बारे में लिखा गया था, जिसमें से विष्णु पुराण बिलोंग टू मौर्यन एम्पायर, वायु पुराण बिलोंग टू गुप्ता एम्पायर, मत्स्य पुराण बिलोंग टू सत्वाहन एम्पायर. अब इसमें पुराणास में क्या होता था कि 6 एस्पेक्ट होते थे, सर्ग दैट इज ओरिजिन और राइज, देन प्रतिसर्ग दैट इज डिक्लाइन, मानवांतर दैट इज रिपीटेशन ऑफ द टाइम, वामसा मीन्स जीनियोलॉजी, जो हेरिडिटरी जो होते थे ना, उनके नाम लिखे गए थे, जीनियोलॉजी इट मीन्स दैट, एंड वामसानुचरित दैट इज जीनियोलॉजी. देन आफ्टर दैट द थर्ड पार्ट इज बुद्धिस्ट लिटरेचर. गाइज ये बुद्धिस्ट, जैन एंड फॉरेन, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और इंटेंसिवली पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो या तो बुद्धिज्म पे आएगा, या तो जैनिज्म पे आएगा, या तो फॉरेन लिटरेसी लिटरेचर पे आएगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग रखा है. देन इंडिविजुअल जो सोर्सेस है वो है भगवद गीता, जो है शकरन ने लिखा था, देन योग सूत्र पतंजलि, एंड सौंदर्य लिहरिया दैट इज शंकराचार्य. ये गाइज आपको कंसेप्चुअली अगर समझ में नहीं आया तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, एंड टाइम भी नहीं है अभी कि इतना हम लोग इन्वेस्ट करें एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया में. इसलिए हम लोग माइंड मैप के साथ आए हैं, जिसमें मोस्टली हम लोग एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन तो हम लोग कर पाएंगे आराम से. देन
दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजियस लिटरेचर. नाउ वी आर कमिंग टू सेक्युलर लिटरेचर. अब सेक्युलर लिटरेचर में ऐसे कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा. दैट इज, सबसे पहले आप, ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. देन देर वर सम ग्रामर बुक्स लाइक पनिनीज अष्टाध्यायी, देन पतंजलिज महाभाष्य. ये आप रटना ही है, ये और कोई ऑप्शन नहीं है. इंडिपेंडेंट राइटर्स दैट इज कमंडका, ही रोट नीति सार ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ड्यूरिंग चंद्रगुप्त वन. ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही बिलोंग टू मौर्यन पीरियड एंड चंद्रगुप्त वन बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, ये आप याद रखिएगा. देन आफ्टर दैट कालिदास रोट 3-4 बुक्स, दैट इज मालविकाग्निमित्रम, ये ऑलरेडी पीटी में आ चुका है, अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतु समाहार, ये तीनों पीटी में आ चुके हैं कभी ना कभी. देन भाषा ऑल्सो रोट स्वप्न वासव दत्तम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा. कालिदास का तो 5 स्टार आप मार्क कर लीजिए. देन शूद्रक रोट मृच्छकटिकम एंड भैरवी रोट कृतर्जुनियम. ठीक है, देन आफ्टर दैट अदर्स, वॉट वर द अदर राइटर्स. द फर्स्ट राइटर वॉज पंचतंत्र के बुक्स, जो हम लोग पढ़ते थे स्कूल में भी पढ़ते थे हम लोग, पंचतंत्र के कहानियां होती थी स्कूल्स में. ही इट वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा. अमर कोश इज एन एनसाइक्लोपीडिया, इट वॉज रिटन बाय अमर सिम्हा, ये तो ईजी हो जाएगा याद करने में. देन देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा रक्षसा, इट वॉज रिटन ड्यूरिंग मौर्य पीरियड बाय विशाख दत्ता, ये आपको याद करना पड़ेगा. देन कर्पूरम अंजलि, इट वॉज रिटन बाय राजशेखर एंड राजतरंगिनी वॉज रिटन बाय कलन, इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये पीटी पॉइंटर है, ये मेन्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है एंड पीटी में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये आप याद रखिएगा, कलन राजतरंगिनी. एंड कुछ एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स थे गाइस, आपको पता ही है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ऑल्सो नोन एज सॉरी आर्यभट्ट, ही रोट आर्यभट्टियम, इट इंक्लूडेड मैथ्स ऑल्सो विथ एस्ट्रोनॉमी. एंड बृहद संहिता वॉज रिटन बाय वराहमिहिर, that is it also included plant sciences along with astronomy. so guys ek cheez isme batana reh gaya ki ye upaved jo the wo har ek veda ke attachments the. attachments matlab kaise, jaise rigveda hoga uska attachment hoga dhanurved, yajurved shilpaved, samved gandharvaved and atharvaved ayurved. to agar question aata hai ayurved pe तो ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द एंशियंट सोर्सेस. इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा मेडिवल सोर्सेस पे. बट ये सोर्सेस आपको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोर्सेस पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आया है हर अल्टरनेटिव ईयर में. सो प्लीज आप इसको ढंग से पढ़िए एंड इसका माइंड मैप आपको मिलेगा www.aspireis.com. aspireis.com पे पीटी कुंजी वाला सेक्शन होगा. पीटी कुंजी वाले सेक्शन में डेली यूपीएससी लर्निंग के वीडियोस होंगे, उसमें एक नया टैब खुल जाएगा दैट इज एंशियंट हिस्ट्री का. एंड एंशियंट हिस्ट्री में आपको ये 1-2 दिन में आपको ये माइंड मैप मिलेगा. प्लस मॉडर्न इंडिया का ऑलरेडी आ चुका है, तो गाइज आप जो लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो उसका आप पीडीएफ आप प्लीज डाउनलोड कीजिए और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए. थैंक यू गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस. Please comment on the section below for our motivation. Thank you.